राम भक्त पद यात्रा कर प्रभु राम के दर्शन करने निकल जगह जगह लोगों ने किया भव्य स्वागत। कन्नौज में अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरे विश्व में उनके दर्शन के लिए लोग लालाहित हो रहे हैं। वहीं कुछ युवा राम भक्त अपने घरों से पैदल ही चलकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। कन्नौज जनपद के मढ़पुरा गांव स्थित महाकाली देवी मंदिर पर जयपुर के युवाओं ने पैदल चलकर गुरुवार तक का सफर तय किया। मंदिर में पहुंचकर महाकाली के दर्शन किए। मंदिर पुजारी आलोक दीक्षित उनकी समिति ने सभी राम भक्तों को भोजन पानी की व्यवस्था की। राम भक्तों ने बताया करीब 707 किलोमीटर की दूरी हम सभी को तय करनी है। हम सभी जयपुर से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी जा रहे हैं। आस्था और लगन को देखते हुए हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा करते हुए प्रभु श्री राम के आगमन पर अयोध्या नगर पहुंच रहे हैं। जयपुर से निकले करीब आधा दर्जन युवा राम भक्त पैदल चलकर अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। साथियों, जब धर्म की ध्वजा युवा उठाते हैं तो वास्तव में धर्म के कार्य से जुड़े होते हैं। धर्म के कार्य से ये कुछ युवा जो कि हम सब लोगों के मध्य है यहाँ गांव मढ़पुरा के माँ काली देवी मंदिर परिसर में, ये बालक जयपुर से पद यात्रा वो भी नंगे पांव अनवरत कर रहे हैं विगत कई दिनों से, और इनकी यात्रा अयोध्या धाम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हेतु है। इन्होंने ये बीड़ा उठाया था, हमारे प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम पद यात्रा करेंगे, और उसी क्रम में ये अनवरत कई दिन से पैदल यात्रा में हैं। बेटा, कितने दिन से ये यात्रा आपने कब आरंभ करी? 11 तारीख को आरंभ करी। कहाँ से? जयपुर, राजस्थान से। जयपुर किस जगह से? माधुराजपुरा ग्रामीण क्षेत्र से। वहाँ से यात्रा प्रारंभ करी, और ये बालक सबके सब युवा हैं, और जिस उम्र में हमारे यहाँ के युवा वास्तव में केवल अपना समय व्यर्थ करते हैं फिजूल की बातों में, इन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों के लिए यात्रा करना उचित समझा, और इस भीषण सर्दी में इनके द्वारा यात्रा की जा रही है। यहाँ हम सब लोगों के माध्यम से माँ काली देवी सेवकों के माध्यम से इनका स्वागत, इनका जलपान आदि का प्रबंध किया गया, एवं कामना करते हैं कि ये अगर समय हो तो रात्रिकालीन बेला में हमारे यहाँ विश्राम करें। ये कह रहे हैं कि अभी हमें लंबी यात्रा करनी है, 22 तक अयोध्या धाम पहुँचना भी है। हमारे निवेदन पर इन्होंने हमारा आतिथ्य भी स्वीकार किया, नहीं तो कह रहे थे कि नहीं, हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हमारी अपनी व्यवस्था है, लेकिन हमारे निवेदन पर इन लोगों ने हमारा जलपान स्वीकार किया। प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन है कि इन्होंने जिस उद्देश्य से ये यात्रा आरंभ की, इनकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, सुखद हो, इनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ बालक जो कि भगवान श्री राम के भक्त हैं, नंगे पैरों पदयात्रा कर रहे हैं अयोध्या धाम के लिए, जयपुर से चले हुए हैं। आप सबका परिचय कराते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दिलराज चौधरी। दिलराज चौधरी जी, कहाँ से, पता भी बोलते रहिएगा। बीड़ावता माधुराजपुरा जयपुर। जी जी जी। भैया, आप? संजू गुर्जर जी। और आप बेटा? हेमराज सिंह। हेमराज सिंह जी। किशन बुनकर। किशन बुनकर जी। लोकेश गुर्जर। लोकेश गुर्जर। पीयूष सावला। पीयूष सावला जी। ये बालक वास्तव में पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ, जिस सर्दी में हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन है कि इन सब बालकों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, और इन सब के माध्यम से जब तक इस तरीके के वीर हमारे यहाँ हैं, हमारे धर्म को, हमारे सनातन पर कोई आंच आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये नंगे पैर इस सर्दी में यात्रा करने को तैयार हैं, इनकी मैंने निवेदन किया इन्हें यहाँ माँ काली देवी मंदिर परिसर मढ़पुरा में रुकने के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे अभी 10 बजे तक यात्रा करनी है, इसलिए ये रुक नहीं रहे हैं। इनकी यात्रा मंगलमय हो, हम इनके संपर्क में रहेंगे, और कहीं भी अगर इन्हें बाधा आती है तो इनकी बाधा के लिए भी हम सब लोग तैयार हैं। माँ काली देवी मंदिर समिति इनका पूरा का पूरा सहयोग करेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम। 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 जय श्री राम।
हाँ बिल्कुल भैया आप मोटरसाइकिल। मित्रों आप देख सकते हैं कुछ युवा जो कि जयपुर से पैदल यात्रा कर रहे हैं अयोध्या धाम के लिए, पिछले कई दिन से निकले हुए हैं। हाँ रुक जाओ भैया जरा सा बात करते हैं, रुक जाइए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहाँ से आना हो रहा है भाई साहब? जयपुर। अच्छा खास जयपुर से आ रहे हैं। बिल्कुल नंगे पैर आप देख सकते हैं ये बालक बिल्कुल नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं, और इतनी कड़ाके की सर्दी में जब हम घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं तब ये बालक भगवान राम का ध्वजा उठाए हुए और यात्रा कर रहे हैं। हम इनके मंगल की कामना करते हैं और भगवान श्री राम से के चरणों में निवेदन करते हैं कि इनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हों। आगे हमारा गांव मणपुरा है, हम चाहेंगे कि इनका वहां मंदिर पर भव्य स्वागत करें, इनका सम्मान करें। ठीक है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बंधु इनके साथ में एक कुत्ता भी इनका साथी बन गया है जो कि लंबे समय से इनका साथ